हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम एडवोकेट दिव्या। एमसी मेहता, जो कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविटीज लॉयर थे, उन्होंने फाइल की एक पिटीशन इन फॉर्म ऑफ PIL अगेंस्ट श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज, जो कि चलाई जा रही थी बाय दिल्ली मिल्स लिमिटेड के द्वारा फॉर डीलिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैजार्डियस प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स। यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज ओलियन गैस लीक केस, इन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस जिसने चेंज की स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया। जैसा कि एमसी मेहता एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट लॉयर थी, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया इन फॉर्म ऑफ PIL श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के अगेंस्ट। श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर हैजार्डियस इंडस्ट्री चला रहा था। तो क्वेश्चन ये पुटअप हुआ कि वेदर हैजार्डियस इंडस्ट्रीज आर अलाउड टू ऑपरेट इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो एक पिटीशन फाइल की गई एमसी मेहता के द्वारा। बट वाइल द रिट पिटीशन वॉज पेंडिंग, श्रीराम की एक यूनिट से ओलियम गैस लीक हो गई। तो दिल्ली लीगल एड एंड जो एडवाइज बोर्ड था एंड दिल्ली बार एसोसिएशन के द्वारा कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल किए गए। एंड जिन पर्सन्स को हार्म हुआ था या गैस लीक होने से जिसको भी हार्म हुआ था, उनके लिए कंपनसेशन के लिए इस एप्लीकेशन को लगाया गया, जहाँ पर नंबर ऑफ इश्यूज ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस के इश्यू जो थे वो रेज किए गए। इसलिए जो 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने इश्यू फॉर्मुलेट किए एंड पिटीशन जो पिटीशनर्स थे एंड दो सपोर्टिंग हिम, उनको भी अपनी अपनी दलीलें फाइल करने के लिए कहा गया, सो दैट कोर्ट कुड टेक अप द हियरिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन। जब एप्लीकेशन आए तो ये महसूस किया गया कि जो रेज किए गए थे इश्यूज, उसमें आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 की जो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉज इन्वॉल्व है, इसीलिए मैटर को 5 जजेस की जो बेंच है उनकी एक बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। तो जहाँ पर क्वेश्चन जो इश्यूज थे वो थे द क्वेश्चन वेदर अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन लाइक श्रीराम वुड फॉल विद इन द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ आर्टिकल 12। कंपनसेशन की बात हुई कि कंपनसेशन कितना और किस तरीके से मिलना चाहिए। आर्टिकल 32 के ऊपर के आर्टिकल 32 का स्कोप क्या है यहाँ पर। आर्टिकल 21 प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी। तो क्वेश्चन था वेदर अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन लाइक श्रीराम वुड फॉल विद इन द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ आर्टिकल 12, या जो श्रीराम लिमिटेड है वो आर्टिकल 12 में फॉल करती है। आर्टिकल 12 जो कि बात करता है स्टेट की, एंड स्टेट में इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये है आर्टिकल 12 जो बात करता है स्टेट की। क्या जो श्रीराम लिमिटेड है वो आर्टिकल 12 में फॉल करती है? और अगर ये आर्टिकल 12 में फॉल करती है एंड फंडामेंटल राइट इन्फ्रेंच हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उस केस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा कि ये फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन जो उठा वो था कंपनसेशन का। इससे पहले कभी भी कंपनसेशन को क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम था जब कंपनसेशन डिमांड की गई कि जिन लोगों को हार्म हुआ है उस हैजार्डियस गैस से जो लीक हुई थी, उससे जिन लोगों को हार्म हुआ है उनकी कंपनसेशन की बात की गई कि उनको कंपनसेशन कितना दिया जाएगा और किस तरीके से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में, पर्सनल लिबर्टी के बारे में। आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या श्रीराम लिमिटेड के अगेंस्ट आर्टिकल 21 अवेलेबल है, जो कि दिल्ली मिल्स लिमिटेड की तरह चलाई जा रही थी, जो शेयर द्वारा लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जो एंगेज है पब्लिक इंटरेस्ट में विद पोटेंशियल टू अफेक्ट द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द पीपल। 17th of February 1986 को जजमेंट आया। कोर्ट हेल्ड दैट इट हैज द पावर टू ग्रांट रेमेडियल रिलीफ इन एप्रोप्रिएट केसेस वेयर द इन्फ्रेंचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज ग्रॉस एंड पेटेंटेबल एंड अफेक्ट द सिचुएशन। आर्टिकल 32 न केवल इंजंक्टिव है बल्कि रेमेडियल भी है, तो ये रेमेडी देगा। कुछ एप्रोप्रिएट केसेस जहाँ पर फंडामेंटल राइट इन्फ्रेंच्ड होते हैं वहाँ पर रेमेडी दी जाएगी। इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनसेशन मेजर्स मस्ट बी कोरिलेटेड विद द इंडस्ट्रीज मैग्नीट्यूड एंड कैपेसिटी इन ऑर्डर टू हैव डिटरेंट इफेक्ट फॉर कंपनसेशन। इफ द इंडस्ट्री इज बिगर एंड मोर सक्सेसफुल देन द ग्रेटर अमाउंट ऑफ मनी हैड टू बी पेड दैट इट कैन बी। कोर्ट ने कहा कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट देना पड़ेगा, यहाँ पर कंपनसेशन की बात हुई। बट यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू कंपनी की, अगर बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा कंपनसेशन और अगर छोटी कंपनी है तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनसेशन।
the court adopted absolute liability standard. सुप्रीम कोर्ट फाउंड कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल जो है इनएडुकेट है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट. तो यहाँ पर रिप्लेस किया गया इट विथ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल. अब जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है वो क्या है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहाँ पर आप एक्सेप्शन रख सकते हैं, लाइक एक्ट ऑफ गॉड कि ये जो कार्य है एक्ट है वो गॉड की वजह से हुआ, या फिर एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, कोई स्ट्रेंजर वहाँ आ गया जिसकी वजह से ये जो हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है, या म्यूचुअल बेनिफिट के उस पर. तो यहाँ पर एक्सक्यूजेस या एक्सेप्शंस अवेलेबल है, बट जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है. तो कोर्ट ने यहाँ पर अडॉप्ट की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी स्टैंडर्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.